इस समय की आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड है वो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। सेटअप बढ़िया है, दो चार दिन से एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस बता रहा था। मुझे लगता है इसमें आपको मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 1104 पे, 1104 पे, 1095 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ 9 रुपीज का। मेरे ख्याल से इसका जो टारगेट है, फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1120 का, वहां तक तो जला ही जाएगा, और आते दिनों में हायर जोन देखेंगे ऐसा लगता है। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, ब्रेकआउट मिला है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे पोर्टफोलियो में डिस्क्लोज करना चाहूंगा। जिसका स्टॉक का मैं जिक्र कर रहा था कि आज स्ट्रॉन्ग पुलबैक है, और कभी कभी कोई स्टॉक आई थिंक किसी क्लस्टर में रेस्ट दे रहा होता है, ये भी रेस्ट ले रहा था, आज वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक का। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड होगा सिंजीन पर। सिंजीन एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो वीकली चार्ट्स पर ये अपने एवरेजेस के ऊपर निकला है, वेर इज ऑन अ डेली चार्ट एक बहुत अच्छा क्लोजिंग लाइन फॉर्मेशन इस काउंटर ने डेवलप किया है। 748 के लेवल पर है, इवन लीडिंग इंडिकेटर्स फर्दर स्ट्रेंथ शो करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है पोजिशनली अगर कोई इस सेटअप पे जाता है तो 775 के प्राइस टारगेट के लिए सिंजीन पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ऑन पोजिशनल बेसिस 720 का। फॉर अ डे परस्पेक्टिव अगर यहाँ से हम इनिशिएट करते हैं तो आई बिलीव 755, 762 के प्राइस टारगेट के लिए सिंजीन पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें, 739 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपका ट्रेड पिक करेंगे? गुड आफ्टरनून अनु जी। तो देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करनी है। यहाँ पर हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, करीब 7-8 दिनों से अपोलो हॉस्पिटल कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज के पैटर्न और वॉल्यूम्स को देख के लग रहा है कि शायद ये कंसोलिडेशन का दौर खत्म हुआ है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए करंट लेवल्स पे आप अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 6274 के रहेंगे। 6274 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ आपके जो टारगेट है वो 6600 के रह सकते हैं। 6600 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करें। ऑप्शन में भी आप ट्रेड लेना चाहे तो यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 6400 का कॉल ऑप्शन 174 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 124 के स्टॉप लॉस से आप एक लॉन्ग ट्रेड लीजिए। टारगेट आपके 185 के आसपास के रहेंगे, 285 के आसपास के रहेंगे। ओके, अपोलो की अभी एक्सट्रीम आउट ऑफ मनी अगर आप देखें, 6400 की कॉल, 174 पे लेने की बात करते हुए। मानस, अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबडी इन द पैनल। वीरेन जी, मेरे को आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है। इसका रैशनल ये है कि अराउंड 980 990 के आसपास एक इसका स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग वहीं स्टॉक वहीं से रिवर्सल ले रहा है एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जोन से। इन स्पाइट ऑफ टूडेज वॉलिटिलिटी हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपना ये लेवल सवेरे से मेंटेन कर रहा है, तो मेरे को लगता है यहाँ पे टेक्निकली एक रिवर्सल आ सकता है। ये पुल बैक ट्रेड है, लगभग 1006 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 993 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे 1030 रुपए के। ओके, चलिए ये हो गया अमित जी के पिक। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड लेकर आए हमारे लिए आज? जी अनुज जी, विरुज जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों नमस्कार। तो यहाँ पे अनुज जी, कल आफ्टरनून शो में मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा रेकमेंड किया था 270 के टारगेट के लिए। अब मुझे लग रहा है ये एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, तो मैं इसको फिर से रेकमेंड करूंगा विद हायर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होगा 254 और हायर टारगेट होगा 275 से लेके 280 का। अब मुझे लग रहा है ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में, तो मेरी सलाह होगी बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीद करने की। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा में 271। अब देख लीजिए बाजार की स्थिति क्या है, लेकिन उससे बेहतरीन स्थिति है इस वक्त निफ्टी बैंक की, और निफ्टी बैंक से कहीं अच्छी परिस्थिति में इस वक्त निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और बीओबी और साथ ही साथ एसबीआई डीआई पर आके ट्रेड करते हुए। अनुज, बिल्कुल, बैंकों में कोई कन्विक्शन की कमी नहीं, बैंकों में बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, पीएसयू बैंकों में एटलीस्ट, एसबीआई में काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। एक काम करेंगे, कुछ देर में एसबीआई पे भी कॉल लेंगे, लेकिन धर्मेश कांत भी जुड़ गए हमारे साथ, एक बार उनसे एक फंडामेंटल ओपिनियन भी ले लेते हैं। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून विनय, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। अनुज देखिए, मार्केट का टेक्सचर ऐसा है कि एवरीडे सेक्टर रोटेशन हो रहा है, जहां पर आज जिसमें तेजी हो सकता है कल वाले दिन उस सेक्टर में तेजी ना रहे, तो इसके मद्देनजर फ्रॉम ट्रेडिंग बायस मैं वहां रिकमेंड करूंगा उस स्टॉक को बाई करने के लिए जहां पर फंडामेंटल दमखम बरकरार है और सेलिंग हो रखा है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मुझे लगता है काफी अच्छा बाई बन के निकल के आ रहा है इस करेक्शन में।
यहाँ पर अराउंड 2981-3000 के आसपास इसको खरीदना चाहिए और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से 3100 का टारगेट निकल के आता है। फंडामेंटल नथिंग हैज चेंज, जो इनका ऑर्डर बुक फ्लो है, बिजनेस एग्जीक्यूशन है, सब इंटैक्ट है। इनफैक्ट वो आने वाले दिनों में बढ़ेगा और अगर पोजिशनल बेसिस पर अगर आप कॉल लेना चाहते हैं तो 3300 का प्राइस टारगेट है। सो इस गिरावट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी।